आर्थराइटिस और वेरिकोज वेंट की आप साथ में ट्रीटमेंट कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट रहता है आपको रक्तमोक्षण, इतना सा ब्लड रिमूव किया जाता है बॉडी से, 2 ml, 5 ml, 10 ml, पहले 5 सिटिंग जो रहती है डेली रहती है, फिर अगले एक दिन के बाद रहता है। तो पहले 5 दिन हाथों से लेते हैं, ब्लड रिमूव किया जाता है तो अपर बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, फिर पैरों से ब्लड खींच के निकाल देते हैं। तो उससे क्या होता है कि खराब ब्लड जो है क्लॉट्स आ जाते हैं, कभी थिकन ब्लड होता है, पैरों की नसें वॉल्स खराब हो जाती है, तो वो नीचे से भी रक्तमोक्षण से ब्लड रिमूव करने से क्या होता है कि पहले तो खराब ब्लड जो है वो शरीर से निकाल देते हैं, फिर नया ब्लड आरबीसी जल्दी से बन जाते हैं और फिर इसमें इन्फेक्शन नहीं फॉर्म होता है, फिर आपके घुटने में और पैरों में सूजन भी नहीं आएगी। और उसके साथ में आपको जो है सोरियासिस की ट्रीटमेंट है, स्किन डिसीज के, वो साथ में कर सकते हैं। उसके लिए भी मैं साथ में स्किन ट्रीटमेंट भी करवा देती हूँ, तो उसके लिए भी रक्तमोक्षण बहुत ज़रूरी रहता है। और पंचकर्मा तो बहुत ज़रूरी है, ये तो पूरी पंचकर्मा का ही केस है, बॉडी को डिटॉक्स करना पड़ेगा। उसके लिए आपको इधर आना पड़ेगा, 10-20-30 दिन की वो ट्रीटमेंट रहती है, डेली दी जाती है और मैं ही करवाती हूँ, इधर ही करवा देते हैं पंचकर्मा का। आप आइए, मैं सब करवा दूँगी।